नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। तो दोस्तों, आज का एक खास प्रोग्राम आप सभी के बीच मैं लेकर हाजिर हूं। आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं सोनाली बेंद्रे के बारे में, न्यूयॉर्क से सामने आई एक बड़ी खबर के बारे में। न्यूयॉर्क में सोनाली बेंद्रे ने अपने बाल कटवाए हैं। बाल कटवाने के बाद सोनाली बेंद्रे का ये जो नई तस्वीरें सामने आई हैं, आप आज के हमारे इस प्रोग्राम में देखने ही वाले हैं। लेकिन इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आखिरकार पति ने कैसे सहारा दिया सोनाली बेंद्रे को। सोनाली बेंद्रे से जुड़ी जहां तमाम रिपोर्ट्स वायरल रहीं, सोनाली बेंद्रे के कैंसर से जुड़ी बुधवार को जहाँ उन्होंने जानकारी शेयर की थी, सोनाली बेंद्रे ने खुद ही अपने पोस्ट के जरिए तभी से ही लाखों करोड़ों लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और इन दुआओं के बीच दुआ है सबसे बड़ी उनके परिवार की भी। लगातार ही उनके पति और बेटे जहां उनके साथ मौजूद हैं, तो वहीं आज आप जानने वाले हैं कि कैसे सोनाली बेंद्रे का ये जो उन्होंने कटिंग कराई है अपने बालों की और साथ ही बाल कटवाकर सोनाली बेंद्रे किस तरीके से सामने आई है और पति ने कैसे उनको सहारा दिया है, ये आज की इन रिपोर्ट्स में आप जानने वाले हैं। तो वहीं एक पोस्ट का जिक्र करेंगे आज हम। जी हाँ, ये पोस्ट दोबारा शेयर किया गया है सोनाली बेंद्रे द्वारा ही, जहां पहले 4 जुलाई यानी कि बुधवार को सोनाली बेंद्रे ने अपने कैंसर की खबर दी थी, तो इसके बाद उन्होंने कोई भी पोस्ट शेयर नहीं किया था, यानी कि कैंसर की खबर से जुड़ा कोई भी पोस्ट। लेकिन उन्होंने अब एक पोस्ट शेयर किया जहां इस पोस्ट में फिर से सोनाली बेंद्रे का दर्द झलका है और सोनाली बेंद्रे ने बात की है अपने ही कैंसर के बारे में और किस तरीके से उनको ये जो बाल कटवाने पड़े हैं इसके बारे में सोनाली बेंद्रे ने क्या बात की। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे से जुड़ी हाल ही में कई और खबरें सामने आने लगी। दरअसल सोनाली बेंद्रे ने हाल ही में अपने बाल कटवाए हैं और इसका वीडियो उन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम के जरिए शेयर किया है और इस वीडियो में सोनाली बेंद्रे बाल कटवाने के बाद रोती हुई भी नजर आई। दरअसल सोनाली बेंद्रे के साथ उनके पति गोल्डी भी मौजूद हैं और गोल्डी उनका ऐसा नया रूप देख सोनाली को हिम्मत दे रहे हैं। जी हाँ, सोनाली के साथ जहाँ हर घड़ी में वो खड़े रहे हैं, तो वहीं कैंसर से जूझती सोनाली के साथ भी उनके पति गोल्डी हैं और इसके अलावा खबर ये है कि उनका बेटा भी है। लेकिन जिस तरीके से सोनाली के नए लुक के बाद उन्होंने उनको किस किया है, तो वहीं इससे दोनों के बीच के प्यार का अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है और सोनाली बेंद्रे और उनके पति से जुड़ी कई और खबरें भी सामने आई जहां कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी। न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करा रही सोनाली बेंद्रे से जुड़ी कई सारी खबरें लगातार ही वायरल हो रही हैं। लेकिन इस बार सोनाली बेंद्रे ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट में सोनाली बेंद्रे ने काफ़ी सारी बातें लिख दी। जी हाँ, सोनाली बेंद्रे ने काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जहाँ उन्होंने पोस्ट की शुरुआत की अपने फेवरेट ऑथर इजाबेल को लेकर। उन्होंने लिखा, वी डोंट इवन नो हाउ स्ट्रांग वी आर अंटिल वी आर फोर्स्ड टू ब्रिंग दैट हिडन स्ट्रेंथ फॉरवर्ड। In the times of tragedy, of war, of necessity, people do amazing things. The human capacity for survival and renewal is awesome. जी हाँ, सोनाली बेंद्रे का इस पोस्ट में ये कहना था कि जिस तरीके से सोनाली बेंद्रे कैंसर से जंग लड़ रही हैं, तो वहीं कुछ बातों को वो खुद नहीं जानती थी। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी असली ताकत का अंदाज़ा तब तक नहीं लगा सकते जब तक हमने उसका एहसास नहीं दिलाया जाता। गम के समय में और लड़ाई के समय लोग कमाल की चीज़ें करते हैं, एक इंसान की सर्वाइवल स्ट्रेंथ कमाल की है। तो वहीं सोनाली बेंद्रे ने ये भी लिखा कि द आउटपोरिंग ऑफ लव आई हैव रिसीव्ड इन द लास्ट फ्यू डेज हैज़ बीन सो ओवरवेलमिंग, यानी कि जिस तरीके का प्यार उनको मिल रहा है वो उसको देख, जहां एक तरफ शॉक तो हुई है तो वहीं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। एंड आई एम स्पेशली ग्रेटफुल टू दोज ऑफ यू हु शेयर्ड स्टोरीज ऑफ यूर एक्सपीरियंसिस इन डीलिंग विद कैंसर। यानी कि सोनाली बेंद्रे इस बात से भी खुश हैं कि उनको जो स्टोरीज देखने को मिली हैं, जो स्टोरीज उनसे शेयर की गई हैं कैंसर को लेकर। गौर हो कि मनीषा कोइराला ने भी अपने कैंसर के बारे में सोनाली को बताया था। वेदर इट वॉज योर ओन और लव्ड वंस, यानी कि आपके खुद के कोई लोग हों या फिर आपके प्यार करने वाले, योर स्टोरीज हैव गिव मी एन एक्स्ट्रा डोसेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द नॉलेज दैट आई एम नॉट अलोन।
कुछ ऐसी जानकारी लोगों द्वारा दी गई सोनाली बेंद्रे को कि वो उन्हें अकेला नहीं फील करा रही हैं और साथ ही स्ट्रेंथ भी दे रही हैं। ईच डे कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस एंड विक्ट्रीज एंड सो फॉर नाउ आई एम टॉकिंग दिस हैशटैग वन डे एट अ टाइम द ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इज मेंटेनिंग अ पॉजिटिव आउटलुक। यानी कि सोनाली बेंद्रे हर दिन जो नया चैलेंज ले रही हैं तो वहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आउटलुक लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। लिटरली हैशटैग स्विच ऑन द सनशाइन इट्स माय वे ऑफ डीलिंग विद दिस। मैं इसी तरीके से इस चीज़ से डील कर रही हूँ। शेयरिंग माय जर्नी इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। आई कैन ओनली होप इट रिमाइंड्स यू दैट ऑल इज नॉट लॉस्ट एंड दैट समवन समवेयर अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। जी हाँ, उन्होंने लिखा कि अपनी जर्नी को शेयर करना इस प्रोसेस का पार्ट है और साथ ही वो चीज़ें सोनाली बेंद्रे सबके सामने रख रही हैं जो वो फील कर रही हैं। सच में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही भावुक कर देने वाला है। सोनाली बेंद्रे द्वारा कही सभी बातें सामने आईं। सोनाली बेंद्रे से जुड़ी हाल ही में एक नई वीडियो सामने आई। न्यूयॉर्क में इलाज करा रही सोनाली बेंद्रे ने कुछ तस्वीरें और नई वीडियो पोस्ट की जहां इस वीडियो में सोनाली बेंद्रे अपने बाल कटवाती हुई नजर आई। खैर, सोनाली बेंद्रे को इस दौरान पति का साथ जरूर मिला। जहां उन्होंने बाल कटवाए तो वहीं पति ने सोनाली को किस किया उनके इस नए लुक पर। इसके अलावा खबर ये रही कि उनका बेटा इस वक्त उनके साथ वीडियो में नहीं दिख पाया। जी हाँ, दिखाई नहीं दिए हैं उनके बेटे। तो वहीं हो ना हो, सोनाली बेंद्रे के बेटे को माँ से थोड़ा सा दूर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से जिन चीज़ों को सोनाली सहन कर रही हैं, जो शक्ति सोनाली को मिल रही है खुद से, जो पोस्ट में वो शेयर कर रही हैं, तो वहीं बेटा सोनाली बेंद्रे की ये ऐसी हालत नहीं देख पाया, तभी इस वीडियो में नहीं दिखाई दिया है सोनाली बेंद्रे का बेटा। आप सभी को बता दें कि न्यूयॉर्क में चल रहा है सोनाली बेंद्रे का इलाज और साथ ही सोनाली ने खुद नई तस्वीरें शेयर की हैं। सोनाली बेंद्रे ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सोनाली बेंद्रे बाल कटवाती हुई नजर आ रही थी। आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे के लिए बेहद ही खराब पल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस मजबूरी के चलते, यानी कि कैंसर के चलते उनको बाल कटवाने पड़ रहे हैं, ये एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि उनके पति का साथ उनको हमेशा मिला है और इस बार भी सोनाली बेंद्रे के पति ने उनको सहारा दिया। जी हाँ, सोनाली के साथ जहाँ पूरे तरीके से खड़े हुए हैं न्यूयॉर्क में चल रहे इलाज में, सोनाली बेंद्रे के साथ जहाँ उनके पति भी हैं, तो वहीं हर घड़ी में उनका साथ वो दे रहे हैं। और इस बार भी सोनाली बेंद्रे ने जैसे ही अपने बाल कटवाए तो उसके बाद उनके पति के साथ भी एक फ़ोटो सामने आने लगी जहाँ पति ने सोनाली को हेड पर किस किया। आप ये तस्वीर और साथ ही कुछ वीडियो हमारे इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे। तो वहीं सोनाली का इलाज लगातार ही बरकरार है न्यूयॉर्क में। सोनाली की जब से कैंसर की खबर आ रही है तभी से ही तमाम तरह की बातें सामने आई। लेकिन हाल ही में सोनाली बेंद्रे से जुड़ी एक ऐसी शॉकिंग खबर सामने आई जहां डॉक्टर्स का स्टेटमेंट आया। खबरों के अनुसार डॉक्टर्स ने पहली बार बातचीत की सोनाली के कैंसर को लेकर, जहां उन्होंने बताया कि सोनाली बेंद्रे काफ़ी लंबे टाइम से लापरवाही बरत रही थी। दरअसल सोनाली बेंद्रे को बॉडी पेन था और इस पेन की जांच सोनाली नहीं करा रही थी। जब ये पेन ज़्यादा बढ़ा तो सोनाली ने फिर टेस्ट करवाए और टेस्ट में उनका हाई ग्रेड कैंसर आ गया। डॉक्टर्स ने ये भी कहा खबरों के अनुसार कि सोनाली बेंद्रे ने काफ़ी लापरवाही बरती और अब अगर सोनाली बेंद्रे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो, और इस ट्रीटमेंट के दौरान उनको ज़्यादा दर्द होगा। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देते चलें कि उनके पति और बेटे उनके साथ मौजूद हैं। सोनाली के पति गोल्डी को भी ये बात पता लग चुकी है, ऐसी खबर आई। और साथ ही गोल्डी को ये भी पता लग गया कि सोनाली बेंद्रे इस दर्द को काफ़ी लंबे टाइम से इग्नोर कर रही थी। आपको बताते चलें कि सोनाली के पति गोल्डी उनके साथ न्यूयॉर्क में हैं और उनका हर मोड़ पर साथ दे रहे हैं। सोनाली बेंद्रे का जहां इलाज चल रहा है तो उनके पति गोल्डी उनके साथ ही हैं। जी हाँ, सभी दुआएं कर रहे हैं सोनाली के स्वस्थ होने की। और डॉक्टर्स द्वारा ये भी कहा जा रहा है, खबर ये भी आ रही है कि सोनाली जल्द ठीक भी हो जाएंगी।
वेल दोस्तों, जाना आप सभी ने किस तरीके से सोनाली बेंद्रे के पति उनके साथ खड़े हुए हैं। जहां बाल कटवा लिए थे सोनाली बेंद्रे ने, तो उनके पति ने फिर से उन पर काफी प्यार लुटाया। आपने आज के इस खास प्रोग्राम में जाना कि किस तरीके से सोनाली बेंद्रे को बाल कटवाने पड़े हैं अपने कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान। शायद ये उनके इसी कैंसर प्रोसेस का हिस्सा रहा होगा, जिस वजह से सोनाली बेंद्रे को अपने इतने लंबे बाल जो हैं छोटे करवाने पड़े। दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरीके से सोनाली बेंद्रे के बेटे इस दौरान मौजूद नहीं रहे। बेटे को कहीं ना कहीं ज्यादा दूर रखा गया है उनकी माँ से, सोनाली बेंद्रे से, तो वहीं किस तरीके से पूरा परिवार उनको स्ट्रेंथ दे रहा है। आज के इस खास प्रोग्राम में आपने ये भी जाना होगा, जहां आपने सबसे बड़ी खबर ये देखी कि एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने शेयर किया सोनाली बेंद्रे ने और तमाम बातें की। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।